हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम कुछ प्रोग्राम्स देखने वाले हैं जो ऑपरेटर्स पर बेस्ड है या सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स पर बेस्ड है। तो अभी तक हमने ऑपरेटर्स देखा था, एक्सप्रेशंस देखा था, आज उसके कुछ हम प्रोग्राम्स देखते हैं। पहला प्रोग्राम है एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना, यानी एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू हम सेट करते हैं। तो यहाँ वेरिएबल्स तो हमने देखा था कि वेरिएबल्स हम कैसे डिफाइन करते हैं डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम देकर, लेकिन अगर कांस्टेंट डिक्लेयर करना है, कांस्टेंट क्या होती थी, फिक्स्ड वैल्यू, यानी ऐसे नाम जिसमें हम फिक्स वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए हम हैज डिफाइन स्टेटमेंट का यूज करते हैं, हैज डिफाइन कांस्टेंट का नेम देन उसकी वैल्यू। तो यहाँ हम पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो हम एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं पाई, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 3.14। तो सी में कांस्टेंट डिक्लेयर करने का तरीका ये है हैज डिफाइन से, हैज डिफाइन कांस्टेंट का नेम एंड कांस्टेंट की वैल्यू। अब प्रोग्राम में हमें करना क्या है, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें रेडियस मालूम होना चाहिए, तो हम यूजर से रेडियस इनपुट करा रहे हैं, एंटर रेडियस ऑफ द सर्कल, प्रिंट एफ में हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं और स्कैन एफ के थ्रू हम रेडियस की वैल्यू को रीड कर रहे हैं एक फ्लोट वेरिएबल आर में। और अगर फ्लोट वेरिएबल को हम रीड करते हैं तो उसके लिए हमें परसेंट एफ लगाना होगा। अब फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर करने के लिए हम आर इंटू आर यूज कर रहे हैं, यानी ये अरिथमेटिक ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है जिसका हम यूज करके आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। और पाई क्या है, हमारा कांस्टेंट है, फ्लोट और एरिया और आर क्या है, फ्लोट वेरिएबल है। तो इस तरीके से एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं और वो कैलकुलेटेड रिजल्ट हम अगली लाइन में प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट एफ के थ्रू। अब इसको अगर हम कंपाइल करें और रन करें तो इसका हम आउटपुट देख सकते हैं। हमें क्या करना होगा, सर्कल का रेडियस एंटर करना होगा, सपोज 4.5। तो ये देख सकते हैं आपके एरिया कैलकुलेट होकर आ गया है। देन सेकेंड प्रोग्राम है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने पढ़ा था कि किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो यहाँ हम सिंपली एक वेरिएबल ले रहे हैं इंटीजर टाइप का, जिसका नाम है ए और उसकी वैल्यू क्या है 10। अब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं ए की वैल्यू को, तो ए की वैल्यू यहाँ क्या प्रिंट होनी चाहिए, 10। और अगर हम प्लस प्लस ए कर रहे हैं, यानी क्या होगा, ए की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी। तो अब अगर वापस हम ए की वैल्यू को प्रिंट करें तो अब ए की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, 11। यानी पहले ये 10 प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो उसके बाद ए की वैल्यू को ये क्या प्रिंट करेगा, 11 प्रिंट करेगा। इसी तरीके से अगर माइनस माइनस करें हम यहाँ, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो अब इसको अगर हम कंपाइल करके देखें, देखिए हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करने के बाद। तो आप यहाँ देख सकते हैं ए की वैल्यू पहले 10 थी, लेकिन इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करने के बाद ए की वैल्यू 11 हो गई। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, इसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। अगर पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स क्लियर नहीं है तो आप ऑपरेटर्स वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है मॉड ऑपरेटर पर बेस्ड। तो मॉड ऑपरेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो ये हमने इसका यूज देखा था। अब इसको यहाँ प्रोग्राम में प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज करेंगे, डिविजन ऑपरेटर और मॉड ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम यहाँ एक प्रोग्राम बनाना चाहें जिसमें हम यूजर से हाइट इनपुट कराएं इंचेस में, सपोज किसी ने अपनी हाइट डाली 65 इंचेस, तो एक्चुअली हम हाइट जब अपनी बताते हैं तो वो 65 इंचेस हम नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, 5 फिट इतने इंचेस या 6 फिट इतने इंचेस, इस ढंग से बताते हैं। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें कि टोटल नंबर ऑफ इंचेस जितनी है उसको हम कन्वर्ट कर लें फिट और इंचेस में, तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ हम देखें कि कुछ वेरिएबल्स लिए हैं हमने इंटीजर टाइप के इंट, इंचेस एंड फिट। और ये ध्यान रखना है कि मॉड ऑपरेटर हमेशा इंटीजर वेरिएबल पर ही काम करता है, ये फ्लोट या डबल पर नहीं करेगा, तो ये मैंने पहले भी बताया था। अब हाइट इनपुट करा रहे हैं हम किसमें, इंचेस में,
तो ये टोटल नंबर ऑफ इंचेस है। सपोज किसी ने डाला 65 इंचेस, तो अब इसको हम फिट में कैसे निकालेंगे, एक फिट में कितने इंचेस होते हैं, 12 इंचेस। तो हम इसको निकालने के लिए फिट इक्वल टू क्या कर रहे हैं, इंचेस डिवाइड बाय 12। अगर किसी ने 65 इंचेस डाला तो ये 12 से डिवाइड होके वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट में नहीं आएगी क्योंकि ये इंटीजर वेरिएबल है, तो क्या आएगी, 5 फिट। और 5 फिट तो आ गया, लेकिन कुछ इंचेस एक्स्ट्रा बच गए, तो उसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इंचेस इक्वल टू इंचेस मॉड 12। यानी इंचेस की वैल्यू अगर 65 थी, उसको हम 12 से डिवाइड करें और देखें कितना रिमाइंडर बचता है। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 65 को अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो 5, तो इंचेस कितने बचेंगे, 5 इंचेस। यानी फिट क्या हो जाएगी, 5 फिट एंड 5 इंचेस। और इसी वैल्यू को हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं। तो इस ढंग से अगर हमें रिमाइंडर चेक करना है तो हम मॉड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अब इसको अगर हम रन करके देखें इसका आउटपुट क्या आ रहा है, सपोज डाला किसी ने 67 इंचेस, तो हाइट क्या आ रही है, 5 फिट एंड 7 इंचेस। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ इंचेस इनपुट करा के हम उसको फिट एंड इंचेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप हाइट एंटर करवा सकते हैं सेंटीमीटर में और फिर उसको वापस फिट एंड इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मॉड ऑपरेटर का यूज किया जाता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर या टेरनरी ऑपरेटर जिसको कहते हैं। तो हमने देखा था कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है और उसके हिसाब से ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ हम दो इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को रीड कर रहे हैं, आई एंड जे, और हम चेक कर रहे हैं इफ आई इज ग्रेटर देन जे। अगर आई की वैल्यू जे से ज्यादा है तो ये क्या रिटर्न करेगा, आई। और अगर आई की वैल्यू कम है जे से, यानी कंडीशन अगर फॉल्स है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, जे, यानी जे की वैल्यू, और वो स्टोर हो जाएगी कहाँ, मैक्स में। यानी आई और जे के में कौन बड़ा है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, ये हम चेक कर रहे हैं और उसके हिसाब से मैक्स वेरिएबल की वैल्यू असाइन हो रही है। तो कंडीशनल ऑपरेटर में पहला पार्ट क्या था, कंडीशन, देन ट्रू स्टेटमेंट एंड देन फॉल्स स्टेटमेंट। तो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू रिटर्न होगी, और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो कोलोन के बाद वाली वैल्यू रिटर्न होगी। और अब हम मैक्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें, सॉरी यहाँ कॉमा होना चाहिए था, तो इस तरह के एरर्स आते हैं, आप नीचे एरर को पढ़ के एरर को सॉल्व कर सकते हैं। अब I और J की वैल्यू, सपोज I की वैल्यू डाली मैंने 7 और J की वैल्यू डाली 5, तो ये क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू इज 7। लेकिन अगर हम उल्टा करें, सपोज I की वैल्यू हम डाले 4 और J की डाले 9, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 9। तो यहाँ ये कंडीशनल ऑपरेटर कंडीशन के बेस पर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इस तरीके से आज के वीडियो में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर्स को यूज किया, देखा कुछ बेसिक प्रोग्राम समझे जो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट पर बेस्ड है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेक्शन स्टेटमेंट देखेंगे जिसके अंदर इफ एल्स एंड स्विच आता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में एंटर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई इट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।